उत्तरी कोलकाता के जोड़ा बगान थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह एक 9 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ। व्यापक यौन शोषण के बाद कथित तौर पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में व्यापक तनाव फैल गया। खबर मिलते ही जोड़ा बगान थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। लालबाजार खुफिया विभाग के होमिसाइड शाखा और वैज्ञानिक विंग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। स्थानीय वार्ड समन्वयक भी घटना स्थल पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि शोभा बाजार इलाके की रहने वाली 9 वर्षीय युवती कल अपने चाचा के घर जोड़ा बगान में घूमने गई थी। रात 8 बजे के बाद से वह अपने चाचा के घर से लापता हो गई। परिवार ने रात में जोड़ा बगान पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद बच्ची का मृत शव गुरुवार को उसके चाचा के घर के पास 3 मंजिला मकान की सीढ़ियों पर पड़ा मिला। खबर मिलते ही जोड़ा बगान थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। वह इस खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार लड़की की गर्दन पर धारदार हथियार का घाव है। पुलिस को संदेह है कि क्रूरतापूर्वक हत्या करने से पहले उसका यौन शोषण किया गया था। जोड़ा बगान पुलिस घटना की जांच के लिए लाल बाजार खुफिया विभाग की होमिसाइड शाखा और वैज्ञानिक विंग की मदद ले रही है। तनावपूर्ण स्थिति को संभालने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जांच अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या इलाके में कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। स्थानीय निवासियों से भी पूछताछ जारी है। जी लोग पारिवारिक कोई आपस का कोई लड़ाई झगड़ा तो ना न बा। इसका मामा लोग क्या करता है मालूम है? कर ले लिया कोई पूछ रहा मैडम। वेलफेयर सोसाइटी प्रेजेंट्स ऊर्जा स्टूडेंट्स मेगा ब्लड डोनेशन फेस्टिवल, जो कि है 7 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक। एक अनोखा ब्लड डोनेशन कार्यक्रम जिसे फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा, जहां होंगे कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंसेस। इस इवेंट के मीडिया पार्टनर है लाइव कोलकाता, सो स्टे ट्यून्ड।